साथ में उनके साथ जुड़ा हुआ वंदे मातरम फाउंडेशन, उस कार्यक्रम को देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आज के इस क्षण में मेरी मन के दो बातें आप सब लोगों से मैं बात लेना चाहता हूँ। हमारे देश के आजादी मिलने के बाद आज तक लड़ाई मैदान में लगभग 28,000 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन भाइयों सबसे बड़ी वेदना की बात है, लड़ाई के मैदान के बाहर हमारे देश के पुलिस कर्मी सेना बना रहे हैं। जो भगत सिंह छोटा बालक था, अपने माँ बाप से कहा कि मैं अपने खेत में बंदूक का एक पेड़ लगाऊंगा छोटा सा, फिर वहां से अनेक बंदूक निकलेंगे और फिर मैं ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए हमें ताकत मिलेगा। परंतु आज अपने देश में 7,000 लोगों को बिना लड़ाई के मारने वाले दुश्मन आज अपने घरों में बैठे हैं। क्या हम इनको मारने के लिए अपने घरों में इस प्रकार की देशभक्ति की मंत्र की जागरणा करेंगे? तब कहीं इन देश के लिए बलिदान होने वाले आत्मा को हम सच्ची शांति दे सकते हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़े कवि हुए 1962 से पूर्व, उनका नाम था गोपाल सिंह नेपाली। वो अपने जीवन में केवल प्रेम के गीत लिखा करते थे। जब 1962 की लड़ाई हुई तो उन्होंने अपने मन में प्रतिज्ञा की कि अब मैं जीवन में कविता लिखूंगा तो केवल देशभक्ति का गीत लिखूंगा, प्रेम के गीत नहीं लिखूंगा। परंतु भाइयों, उनके कविता के अगर एक आधा पंक्ति मैं आपको सुना दूं तो आप इसके अंदाजा नहीं लगा सकते। वे 4 साल तक उत्तर भारत के अंदर हिंदी के अपनी कविता गाते थे। जिस किसी भी गांव पहुंचते गोपाल सिंह नेपाली आए हैं तो 10,000 से कम लोग वहां जमा नहीं होते थे। उनकी कविता कहती है, भारत के प्यारो जागो, होए सितारो जागो, बैरी दुआरे आए तुम सिर उतारो जागो। दूसरी तरफ वो कहते हैं, जिन जिन सुहागिनों के प्रीतम न लौट आए, जिन जिन सुहागिनों के प्रीतम न लौट आए, दीपक बुझाए बैठे दिल पर वो चोट काए, उनका सुहाग दे दो या फिर ललकारो जागो। ये उस गोपाल सिंह नेपाली के पंक्तियां है। इतना ना सोना बैठो कहीं तुम्हारा बिस्तर खबर ना हो जाए। ये बात कहते हुए मैं आज जो हैदराबाद शहर के अंदर इस प्रकार की देशभक्ति का जागरण का मंत्र जग रहा है, मैं भगत सिंह जन्म शताब्दी समिति से, वंदे मातरम फाउंडेशन से यह विनती देता हूं कि आपका यह जो जाल है इसकी जाल को विस्तार कीजिए। केवल आंध्र में नहीं, केवल हैदराबाद में नहीं, सारे देश में इस प्रकार की देशभक्ति का एक लहर फैल जाए। दुनिया के अंदर कोई डिक्टेटर होगा, कोई राजा महाराजा होगा, कोई प्रजातंत्र के नाम पर सत्ता के ऊंचे स्थान पर बैठा होगा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता की ताकत होती है, जनता की ताकत होती है। मैं वंदे मातरम फाउंडेशन और भगत सिंह जन्म शताब्दी समिति से ये विनती करता हूँ कि इस शक्ति को राष्ट्र की शक्ति में परिवर्तन करें। हम भी आपके साथ है और उस कार्यक्रम से लेकर प्रेरणा लेकर और गति से हम भी देश में अपने राज्य में इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इस आमंत्रण के लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी 2 शब्दों को समाप्त करता हूँ। सभी को प्रणाम, जय।